जन्म लेने के बाद कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि अपने बच्चे को गोद में भी नहीं ले पाऊं। गॉड इज ग्रेट, ये हिम्मत दी, ये ताकत दी, इस दुनिया से लड़ने की काबिलता दी। शुक्रगुजार हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे इस दुनिया में एक पहचान दे दी। हार चुका था, अलविदा भी नहीं कह सका, दर्द को दर्द से ही सह रहा था। मैं फक्र से कहना चाहता हूँ कि मुझे उनकी प्रेरणादायक शब्दों से मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। रिस्पेक्टेड सर स्पर्श, उनकी एक लाइन आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। दिस इज वर्ड इम्पॉसिबल। देखने जाएंगे तो बहुत कठिन है, करना मुश्किल है, पर वो इस लाइन को अपने नजर से देखते हैं। आई एम पॉसिबल। इतनी बड़ी सोच रखने वाले उम्र से बहुत छोटे, पर उनको पैदा होने से गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। ऑस्ट्रिजेंसिस इम्परफेक्ट। स्पर्श जब माँ के पेट में थे तभी उनकी 35 हड्डियां टूट चुकी थी। स्पर्श के जब जन्म भी नहीं हुआ था तब उससे पहले ही पेट में ही उनकी 33 हड्डियां टूट चुकी थी। और आज 14 साल की उम्र में भी हालात यही है, वो चल फिर भी नहीं सकते। कहने को तो स्पर्श भी उन लाखों करोड़ों दिमागों के जैसे ही है, लेकिन उनका आत्मविश्वास, साहस और कुछ कर गुजरने का जज्बा उन लाखों बच्चों के लिए एक प्रेरणा है, जो जिंदगी के फलसफे में खुद को खुद से ही हारा हुआ घोषित कर लेते हैं। इतनी छोटी सी उम्र के स्पर्श जो अब तक 100 से ज्यादा फ्रैक्चर झेल चुके हैं, जरा सोचिए उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जो उसे अपनी गोद में भी नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी इतने सारे कठिन हालातों को झेलते हुए स्पर्श एक म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुके हैं और उन जैसे तमाम दिमागों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। स्पर्श ने महज 3 साल की उम्र से ही कीबोर्ड सीखना और किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे स्पर्श की संगीत में रुचि बढ़ी और वह रेडियो पर बजने वाले सारे गाने गाने लगे। बस फिर चल पड़ा उनका म्यूजिक करियर। स्पर्श की सफलता के पीछे उनके माँ बाप का भी बड़ा ही हाथ है, क्योंकि उनके टैलेंट को पहचान कर माता पिता ने उनका साथ दिया और वह स्टेज प्रोग्राम करने लगे। आज अमेरिका में उनका एक बड़ा नाम है। स्पर्श सर अपनी जिंदगी को इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल मानते हैं। वो अपने 4 स्टेप से फाइंड योर पैशन। विचार करें कि आपको फैसला लेने के लिए क्या प्रेरित करता है। अपनी मान्यता को पहचाने, अपने आप से कुछ आत्मचिंतनशील सवाल पूछे, अपने जवाबों में आकार और प्रसंग को देखने की कोशिश करें। इस बारे में विचार करें कि आपको क्या करना पसंद है। उनकी पसंद म्यूजिक थी, वो अपने म्यूजिक को ही पैशन मानते थे। नेवर होल्ड योर सेल्फ बैक। यदि आप कुछ कारण के वजह से वापस आते, कुछ करने से पहले संकोच करते हो क्योंकि आप सुनिश्चित नहीं है कि यह करना सही है या नहीं। स्पर्श सर अपनी म्यूजिकल रैप, अमेरिकन हिप हॉप बहुत बार ट्राई कर चुके हैं। उनको कई बार मुश्किलें आई पर उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर उनको रागा रैप, जो इंडियन क्लासिकल और रैप अमेरिकन हिप हॉप सबसे बेहतरीन बनाया। यदि उनके फेवरेट एमिनियम से अच्छा नॉट अफ्रेड क्लीन कवर प्यूरिदम म्यूजिकल बनाया, आज वो लाखों करोड़ों के दिल में बसी। हेल्प सदर। दोस्तों, अगर आपके पास आपके जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो तो जिनको उसकी जरूरत है उनको जरूर शेयर करो। ऐसे ही स्पर्श सर अपने म्यूजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट से कुछ मिलियन डॉलर उनके जैसे दिव्यांगों के लिए स्पेंड करते। ड्रीम बिग। अगर आपके सपने हो तो बड़े होने चाहिए। स्पर्श सर शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण बच्चे हैं, उनकी भावना अटूट है और वह एक अरब लोगों की भीड़ के सामने बोलकर अपने गायन करियर को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, स्पर्श के लाइफ में ऐसी हालत है, जैसी उम्र होती है वैसी उनके शरीर की हड्डियां टूट जाती है।
पर वो अपने तकलीफ को एक हंसी मानते और अपने लाइफ को थैंक यू कहलाते और एक नई उगम लेके हजारों लोगों को इंस्पायर करते।